तो ये जो आप बनाने का काम करते हैं, आपने अब आपने बताया कि आपने एकेडमी भी कोई खोली है। खुशहाल द म्यूजिक स्कूल, द म्यूजिक स्कूल, खुशहाल म्यूजिक स्कूल, जी, ये तो पिशावर में 2 महीने हो चुके हैं इसके अफ्तार सही, की। तो शुरू आपने किसने किया, ख्याल किसका है? ख्याल इस तरह है कि बच्चे होते थे उसमें कई लड़के ऐसे जो एफोर्ड नहीं कर सकते, जी मसलन किसी के अब्बू नहीं होता है, कोई स्टूडेंट होता है, फैमिली मैटर उनका सही नहीं होता है, उनके जी वो एफोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्री में भी बच्चे आते हैं, ओल्ड एज के आते हैं, हिजाब में लड़कियां आती है, जी तो हमने वो जारी तो रखा। आप क्या गाँव क्या सिखाते हैं, गाना या इंस्ट्रूमेंट भी सिखाते हैं? ये हम स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में तो सबसे पहले अगर कोई कहते हैं इंस्ट्रूमेंट सीखो तो मैं कहता सुरमंडल सीखो, मेरा जी फेवरेट आप सुरमंडल है, यानी सैद सुरमंडल, जी जैसे आप सैद जी सितार पे वही ना, बात हो तो गई। मैं सैद सुरमंडल पे कोशिश करता हूँ, मैं बतलाता हूँ कि ये कैसे ट्यून किया जाता है। अभी तो जदीद दौर है, जी ट्यूनिंग के लिए आपको ज्यादा जाना, थोड़ा आपको एक दफा किसी से सेंस लेना चाहिए, जी फिर गिटार के ट्यूनिंग जो है उसके साथ भी ये ट्यून हो जाती है, ऐसे कोई जी बात नहीं।